हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आने वाली फिल्म ये बैले सिर्फ एक डांस आधारित फिल्म नहीं है, बल्कि दो ऐसे लड़कों की कहानी है जो बेहद साधारण परिवार से आते हैं और उन्हें न्यूयॉर्क के एक बैले एकेडमी में स्कॉलरशिप मिलती है बैले सीखने के लिए। इस फिल्म को बनाया है जानी मानी लेखिका सूनी तारापोरवाला ने, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस फिल्म के बारे में खास बातचीत करने के लिए। सूनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या इंस्पिरेशन थी आपको लगा कि दो ऐसे अंडरडॉग बच्चों की कहानी दिखानी चाहिए जो एक डांसर बनने की जद्दोजहद करते हैं और उन्हें बैले एकेडमी में न्यूयॉर्क में स्कॉलरशिप मिलती है। आपको क्या लगा कि क्यों उनकी कहानी लोगों को बतानी चाहिए? जब मैं छोटी थी मैं बैले सीख रही थी, तो मुझे पता है बैले कितनी कठिन डांस फॉर्म है और कितना मेहनत करता है करना पड़ता है बैले के लिए। और वो टाइम पे जब मैं छोटी थी तो बहुत एलीट डांस फॉर्म था, साधारण बच्चे बैले में नहीं ज्वाइन करते थे, और लड़के तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे बैले की दुनिया में। तो जब मैंने ये दो बच्चों को देखा, ये सच्ची कहानी है, सच्ची मैंने इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी, जब मैंने ये दो बच्चों को देखा तो मेरे आँख में आंसू आ गए, क्योंकि इन लोग इतना अच्छा डांस कर रहे थे और उनका अचीवमेंट इतना बेहतर था। तो मनीष और अमिरुद्दीन शाह, मुझे लगा ये स्टोरी तो बिल्कुल फैलाना चाहिए। इससे पहले आपने 15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री भी इसी नाम से बनाई थी, 2017 में आई थी। डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद फीचर फिल्म बनाना, फुल फ्लेज एक फिल्म बनाना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, कब ख्याल आया? डॉक्यूमेंट्री के बाद बच्चों में ऑलवेज मजाक करते थे, एक दिन हम फीचर फिल्म बनाएंगे, मगर एक दिन का मामला था। फिर सिड रॉय कपूर ने ये बच्चों के ऊपर पढ़ा और उन्होंने मेरे साथ ने मीरा के साथ कोलैबोरेट किया था नेमसेक के बारे में। तो हम पहचानते थे एक और, वी न्यू ईच अदर। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये स्टोरी, मुझे पता है कि आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैंने भी पढ़ा न्यूज़पेपर में और आई एम इंटरेस्टेड, आई यू? आई सेड ऑफ कोर्स। तो वैसे बनी। आपने बताया कि बचपन में आप भी बैले सीखने की कोशिश कर रही थी, तो फिर क्या हुआ कि आप बैले डांसर नहीं बनी और स्क्रीन राइटर बन गए? मुझे कोई एम्बिशन नहीं था बैले डांसर बनने का। शायद मैं छोटी थी तब सबको लगता है हाँ मैं वो टूटू पहन के स्टेज पे प्रिंसेस बनूंगी, मगर उसके बाद कुछ एम्बिशन नहीं था। आई वॉज नॉट वेरी गुड एट बैले, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी बिकमिंग अ बैले डांसर। तो ओवर द इयर्स आपको क्या लगता है कितना बैले सीन कितना बदल गया है? काफी बदल गया। अभी ज्यादा से लड़कों भी बैले डांस कर रहे हैं। यहूदा में और भार्गव से आया यहाँ टीच करना, सो काफी बदला है और अभी आशा है कि और भी बदलेगा ये पिक्चर के बाद। सुनिए, आपने मीरा नायर के साथ काफी कोलैबोरेट किया है, मिसिसिपी मसाला बनाई थी वो मीरा नायर ने, तो आपने सलाम बॉम्बे बनाई थी। मीरा नायर ने ये फिल्म देखने के बाद कुछ आपको कहा, कुछ बात हुई इस बारे में? अभी तक उन्होंने देखी नहीं है, फ्राइडे को देखेगी, लंदन में है और उन्होंने मुझे कहा कि छोटी सी पार्टी करेंगे, उनका प्राइवेट प्रीमियर करेंगे और देखेंगे और फिर मैं उसके साथ बात करूंगी। उनको ये फिल्म की स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी है और देखी भी नहीं अभी तक। 80s में आई थी, 1988 में आई थी सलाम बॉम्बे आई थी, वो कहानी भी बॉम्बे के इर्द गिर्द घूमती थी और जो बॉम्बे की जो स्ट्रीट लाइफ है उस पे आधारित थी, अंडरडॉग्स के बारे में थी। क्या कहना चाहेंगे आप कि ये कहानी भी जो है अंडरडॉग्स को लेकर ही है और
बॉम्बे को आपने बदलते हुए कितना देखा है, मुंबई को पिछले 30 साल में कितना बदलाव आप देखती हैं, जब सलाम बॉम्बे आई थी और जब आपकी ये फिल्म आई है 32 सालों के दरमियान? हाँ। बॉम्बे ऐसी शहर है कि कोई कोई इलाके बहुत बदल जाते हैं, कोई कोई चीज सेम रहते हैं, तो दैट इज वेरी फैसिनेटिंग टू मी। जहाँ मैं बड़ी हुई ग्वालियर टैंक, वो सेम है, सेम बिल्डिंग्स, जब मैं छोटी थी तब से सेम दुकान सेम बिल्डिंग, और कोई कोई जगह बिल्कुल बदल गया है। तो ये है मेरा ऑब्जर्वेशन। तो आपको ये कहना है कि काफी डेवलपमेंट हुआ है, स्काई स्क्रैपर्स काफी आगे, ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं, तो काफी बदलाव देखने बदलाव भी है, मगर कोई कोई इलाके सेम है और आशा है कि सेम रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें एक हिंदू लड़का दिखाया गया, एक मुस्लिम लड़का दिखाया गया है, हिंदू मुस्लिम टसल भी, जो आज का माहौल है काफी डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेली जा रही है, हिंदू मुस्लिम चीजों को काफी फैन किया जा रहा है, तो आप क्या कहें उस हिसाब से कितनी रेलेवेंट है ये फिल्म आज के माहौल को देखते हुए जो चल रहा है जो कुछ? सच्ची कहानी में एक मुस्लिम लड़का था, एक हिंदू लड़का था और एक ज्यूइश टीचर था, और ज्यूइश टीचर कहता है इंग्लिश में कि दी ओनली एस्केप इज डांस, ही सेज स्क्रू दिस रिलीजियस बुलशिट, दी ओनली एस्केप इज डांस, इफ एवरीवन डांस द वर्ल्ड वुड नॉट बी सच अ क्रेजी प्लेस। तो वो मेरा भी मानना है कि ये स्टोरी में डांस इज व्हाट यूनाइट्स देम, एंड दे आर ट्रैप्ड इन दिस हिंदू मुस्लिम थिंग, बट not because they want to be in it, they are just happen to be in it. Aur itna kafi bhi nahi hai ye film mein, it's by the way, you know. Aur ek aur cheez hai ki mera Bombay jo hai aur meri Mumbai jo hai, I feel its unique thing is diversity. Main Parsi hu, main school mein, mere sath school mein Hindus the, Muslims the, Jewish, sab इंडिया के सब स्टेट्स से लड़की मेरे साथ पढ़ाई करती थी। ये है सच, बॉम्बे मुंबई और इंडिया। तो वो आइडिया मुझे, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट। तो हमें एक लोकेशन मिला जहाँ एक हिंदू छोटा सा हिंदू टेम्पल है घंटा के साथ, उसके बिल्कुल पास एक क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का ये है, और फिर थोड़े आगे एक मुस्लिम मस्जिद है। तो हमने वो लोकेशन चूज किया क्योंकि मेरे ख्याल से ये है सच मुंबई और ये है सच इंडिया। फिल्म में दो सीन काफी स्ट्राइकिंग है। जब फिल्म शुरू होती है तो वो एक लड़का जो अमरुद्दीन शाह है, वो एक हिंदू त्योहार में जाके डांस कर रहा होता है, उसका रिलेटिव याद दिलाता है उसे कि उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी है कि तू मुस्लिम है, और याद रख इस बात को हमेशा याद रख, हिंदुओं के साथ अगर तू अगर उनके साथ घुलता मिलता है तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। एक तो वो सीन, और एक वो जब वो लड़की के साथ डांस कर रहा होता है और उसे मार पड़ती है, तो आज का माहौल भी कुछ इस तरह से है कि लोगों में बंटवारा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटी को रीइन्फोर्स किया जा रहा है, उस हिसाब से काफी आपने कुछ इसमें ये सारी चीजें एलिमेंट्स ऐड किए हैं, क्रिएटिव लिबर्टी ली है या ये सच स्टोरी था? आमिर ने मुझे बताया था कि वो होली में नाचता था और उनका एक अंकल था वो खुशी ने था, तो मैंने होली को लेकर जन्माष्टमी किया। That's the only creative liberty I took. And उनका family है वो अलग तरह का है, उन लोग I think more Sufi जैसे है, तो सबको मानते हैं, इसलिए मैं ये distinction करना चाहती हूँ कि उनका परिवार ने है, उनका एक चाचू है जो more orthodox है और जिसपे उन लोग depend करते हैं, उनका ये thinking है, उनका परिवार का नहीं। जब मैं आमिर को मिलने नहीं, जब पहले टाइम उन लोग अमेरिका गए थे, मैं गई थी और हम साथ में गए थे एयरपोर्ट, और आमिर गायब हो गया। मैं बोली आमिर कहाँ है, उनके बगल में एक साई बाबा का मंदिर था, तो आमिर वहाँ गया था साई बाबा का मंदिर में प्रे करने के लिए एयरपोर्ट के पहले। तो ये है सच कहानी, ये ऐसे लोग सच लोग हैं, मैंने कुछ ऐसे बनाया नहीं है कि ये दिखाने के लिए, ये सच कहानी है, ये सच
उनका थिंकिंग है। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, सलाम बॉम्बे जो आई थी, उस फिल्म का शुमार उन फिल्मों में होता है जिसे भारत की तरफ से ऑस्कर में एंट्री मिली थी? ऐसी सिर्फ तीन फिल्में हैं, 1957 में जो मदर इंडिया आई थी, सलाम बॉम्बे जो आई थी और लगान जो आई थी आमिर खान की। इन तीनों फिल्मों को ही सिर्फ ऑस्कर में फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्रिटिसिज्म हमेशा होता है कि भारत की पॉवर्टी जो है या अंडरडॉग की जो कहानी है उसे जानबूझ के हाईलाइट किया जाता है ग्लोबल ऑडियंस के लिए। एक क्रिटिसिज्म स्लमडॉग मिलियनेयर को भी इसीलिए उसका क्रिटिसिज्म हुआ था, उसे 8 ऑस्कर मिले थे। गली बॉय अभी जो इंडिया से ऑस्कर के लिए भेजी गई थी, हालांकि सेलेक्ट नहीं किया गया उसे। आप इस क्रिटिसिज्म को किस तरह से देखती हैं? मैं तो बस हंसती हूँ कि लोग को इतना बुरा लगता है कि हम ये दिखाए किसको, मगर उनको बुरा नहीं लगता है कि ये हमारा कंट्री में चल रहा है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द इमेज और द रियलिटी? अब ये रियलिटी के लिए कुछ करो ना, हमने ये क्रिएट नहीं किया है। सलाम बॉम्बे वॉज बेस्ड ऑन रिसर्च, हमने कुछ हमारा इमेजिनेशन से नहीं, ये इट एग्जिस्ट नाउ ऑल्सो, तो वी बॉदर अबाउट दैट फर्स्ट। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि फिल्मकार इंडिया के इसी एस्पेक्ट को उभारना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं। मगर इंडिपेंडेंस के कितने साल हुए, अभी तक है इतना पॉवर्टी हमारा कंट्री में, क्यों? तो वो क्वेश्चन पहले आंसर कीजिए ना, फिर फिल्म के बारे में बात करो। बिल्कुल, मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहूंगा कि आपने कई फिल्मों में मीरा नायर के साथ कोलैबोरेट किया है, आगे किसी फिल्म की तैयारी मीरा नायर के साथ, क्या कुछ बना रही है, क्या कुछ आप उनके लिए लिख रही हैं? नहीं, अभी मैं खुद मेरे लिए लिख रही हूँ। अच्छा, हाँ। तो अगली फिल्म क्या होगी आपकी? मेरी बेटी के साथ हम दोनों ने लिखा है एक स्टोरी, वेरी कंटेम्प्रेरी, सेट इन बॉम्बे मुंबई। तो क्या वो नेटफ्लिक्स के लिए ही होगी या थिएटर रिलीज? देखते हैं अभी, थोड़ा सा कुछ अगर क्या कहानी होगी कुछ अर्ली डेज। चलिए, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।